नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज इस वीडियो में अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। तो इसमें आपकी एक पर्टिकुलर वैकेंसी जो है आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो ये आपकी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अभी तक न्यूज़ आ चुकी है, क्या क्या ऑफिशियल जो कह सकते हैं एक ऑर्डर कहाँ तक हो चुके हैं, कितनी प्रोसेस हो चुकी है, वो सब हम ही इस वीडियो में जानकारी आप देखेंगे। बाकी जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा आपको जो है अपडेट मिल जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर जो है अपडेट रह सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी जो वैकेंसी है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2020, इसमें जो इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी यहाँ पर आपको जानकारी आप देख सकते हैं कि जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। वर्तमान में जो है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड में काफ़ी पद जो है खाली चल रहे हैं। पिछली बार 2015 में राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी, जिसमें वन रक्षक या फिर वनपाल के अलग अलग जिलों वाइज जो है कट ऑफ के आधार पर भर्ती की गई थी। इस बार भी राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड वन विभाग में जिले वाइज कट ऑफ के आधार पर नई भर्ती की जाएगी और इसका जल्द ही जो है नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा। यहाँ पर कितने अधिकतम पद हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1958 पदों तक जो भर्ती जल्द ही होगी। और वन विभाग में भर्तियां नहीं होने से वन सुरक्षा की अहम कड़ी जो है कमजोर होती जा रही है। वन विभाग में 4467 स्वीकृत वन रक्षक के पद हैं, इनमें 2509 जो है पद कार्यरत है, जबकि 1958 पद जो है खाली है। इसमें लगभग 45% पद खाली है। राजस्थान में जल्द ही वन रक्षक के अधिकतम 1958 पदों तक भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी, जिससे कि आपको श्योरिटी रहेगी इस वैकेंसी को लेकर के। और राजस्थान वन विभाग में वन रक्षक के 1041, फॉरेस्ट के 87 पदों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। आरपीएससी एसीएफ के जो है 99वें व रेंजर ग्रेड फर्स्ट के 105 पदों की भर्ती करें। और कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड के 1041, फॉरेस्ट के 87, ड्राइवर के और 99 पदों की भर्ती जल्द पूरी करने के जो है आदेश न्यायालय ने राजस्थान सरकार को दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्री पीएस की बैठक में स्टाफ की कमी, और तो यहाँ पर वन विभाग में भर्तियाँ नहीं होने से वन सुरक्षा की अहम कड़ी कमजोर होती जा रही है। यहाँ पर जो है पदों के बारे में जो हमने देखा, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट आपकी एक और से संबंधित एक न्यूज़ जो आई थी, वन रक्षक के 1041, फॉरेस्टर के 87 पदों की भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी करें। यहाँ पर कौन कौन से पदों पर जो है भर्ती होने वाली है, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी आपको ये पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप थोड़ा इजीली देख पाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो क्या क्या है इसमें। वन रक्षक के पदों के जो आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वनपाल के पद पर जो है आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यताएं जो है पिछली भर्ती अनुरूप रहेगी। बाकी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको एडवर्टीज में जो फाइनल रिलीज किया जाएगा उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो आपकी वैकेंसीज है ये अपकमिंग वैकेंसीज के अंदर है, जो कि आपकी आने वाली है। बाकी और भी काफ़ी सारी वैकेंसी, जैसे एमवीएसआई में वैकेंसी आपकी आने वाली है, मोटर व्हीकल जो है आपकी सब इंस्पेक्टर की, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर। एक आपकी एसआई की वैकेंसी है, आरपीएससी ही जो आगे आने वाले दिनों में इसका एडवर्टीजमेंट जारी कर सकती है। नेक्स्ट आपकी ग्राम सेवक की वैकेंसी को लेकर के है, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी तक जो बात की गई है। आपके एक दो तीन वैकेंसी के बारे में अभी मैंने रिसेंटली बात की थी, उनका भी आपको जो है लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है वहाँ पर आपको दी गई है, सहकारी विभाग में एक जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी रिलेटेड अपडेट आपको सैलग के थ्रू मिलती रहती है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप राजस्थान जीके से रिलेटेड वीडियोज़ अगर देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, और कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।